खबर है वायनाड से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर, जिनके दिए भाषण की अब काफी चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी ने यहां पर ताबड़तोड़ बयान दिए हैं, अपने भाई के लिए राहुल गांधी के लिए इमोशनल कार्ड खेला है, ऐसा दावा भी या कहें ऐसा आरोप भी लग रहा है। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने वो जानना दिलचस्प है। एक स्पीच के दौरान प्रियंका गांधी भी बोली, राहुल गांधी भी बोले और बोला कि मेरा भाई सामान पैक कर तैयार बैठा है और अब आपके सांसद का फैसला कोर्ट के हाथ में है। तो सांसदी जाने का जो दर्द है वो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के साथ साझा किया। ये दर्द ऐसे दौर में साझा किया जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर द हिंदू के जरिए एक आर्टिकल लिखकर हमला बोला है। उनके हमले के बीच प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों से ये भाषण के जरिए एक सीधा संवाद करने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी राहुल गांधी ने वो सब कुछ बताया, लेकिन उससे पहले बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये जो भाषण है ये अंग्रेजी भाषा में था और हिंदी में हम आपको बताते हैं पूरी बात। दरअसल सांसदी जाने के बाद कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी पहली बार वायनाड पहुंचे हैं, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी नजर आईं। उन्होंने तो वायनाड की जनता को संबोधित करते हुए जोर देकर कह दिया कि उनका भाई इस दुनिया का सबसे अच्छा शख्स है, इस दुनिया का सबसे अच्छा शख्स जो खुलकर बोलता है और किसी से नहीं डरता। प्रियंका गांधी ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो बताते हैं आपको। वायनाड की जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आप जानते हैं कि वो सबसे सच्चा आदमी है, वो किसी से नहीं डरता। सत्ता की ताकत उसे हटाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो डटा हुआ है। वो तो आपके संघर्ष को समझता है, आपके लिए काम किया है, आपके साथ खड़ा रहा है। प्रियंका गांधी ने राहुल का दर्द बयां करते हुए एक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब राहुल की सांसदी चली गई थी वे वायनाड में अपना सामान पैक करने आए थे। इस बारे में प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैंने अपने भाई का सामान पैक किया था, मेरे पास तो मदद के लिए मेरा पति बच्चे हैं, वो अकेला बैठा था। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि वो 2019 में पहली बार वायनाड आई थी, जहां मैंने आप लोगों को अपने भाई के बारे में कई बातें बताई थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। राहुल सच बोलने से नहीं डरते। राहुल गांधी को एक ऐसा सवाल पूछने के लिए अयोग्य ठहराया गया था जिसका वे यानी कि बीजेपी जवाब नहीं दे सके। उन्होंने आगे कहा कि पूरी सरकार गौतम अडानी का बचाव करने की कोशिश कर रही है, पीएम अडानी का बचाव कर रहे हैं, पीएम हर दिन अपने ड्रेसिंग स्टाइल में बदलाव कर रहे हैं लेकिन आम लोगों की जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आया है, वे नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रियंका गांधी अपने भाषण के दौरान वायनाड के लोगों को संबोधित करते हुए गुजरात का भी जिक्र करती हैं। वो कहती हैं गुजरात की एक अदालत ने एक निर्णय पारित किया जिसके बाद सरकार ने उन्हें यानी कि राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया। सवाल पूछना, जवाबदेही की मांग करना, मुद्दे उठाना सांसद का काम है। मुझे ये बात अजीब लगती है कि पूरी सरकार यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसे अनुचित मानते हैं और एक आदमी पर बेरहमी से हमला करते हैं क्योंकि उसने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका वे जवाब नहीं दे सके। प्रियंका गांधी के भाषण के बीच में राहुल गांधी ने भी भाषण दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने बोला कि 4 साल पहले जब मैं यहाँ आया था आपका सांसद बना था, यहाँ पर प्रचार करने का तरीका बिल्कुल अलग था। किसी सामान्य प्रचार में तो हम नीतियों पर बात करते हैं लेकिन जब मैंने यहाँ प्रचार किया लगा अपने परिवार के बीच आया हूँ। मैं केरल से नहीं हूँ लेकिन आपका ऐसा प्यार मिला कि मानो मैं आपका ही भाई या बेटा हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि एक सांसद होने के क्या मायने होते हैं। आपको लोगों के दिल को छूना होता है, उन्हें समान रूप से सम्मान देना चाहिए। जनता का प्रतिनिधित्व करना बड़ी बात होती है, ऐसा करने के लिए उनके संघर्षों को समझना जरूरी है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि सांसद तो सिर्फ एक टैग है, एक पद है, उन्हें वायनाड की जनता का प्रतिनिधित्व करने से कोई नहीं रोक सकता है, वे यहां के लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में अडानी मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर कहा उन्हें संसद में इस मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने यहां पर वायनाड के लोगों के सामने अपना बचाव करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से गौतम अडानी से जुड़े सवाल पूछे थे, मैंने ये साबित किया कि कैसे प्रधानमंत्री अडानी को मदद पहुंचाते हैं। राहुल ने तर्क दिया कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है, ऐसे में वो ये मान सकते हैं कि वे सही राह पर चल दिए हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो डरने या झुकने वाले नहीं हैं। अपनी रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने वायनाड की जनता को एक वादा भी किया। उन्होंने कहा कि वे सांसद रहे ना रहे, बात जब वायनाड में मेडिकल कॉलेज या बफर जोन की आएगी
वे ये काम करवा कर रहेंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वायनाड के साथ रिश्ता कोई 2 या 3 साल का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का है। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता उनको जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी जिस जगह पर खड़े होकर वायनाड में भाषण दे रहे थे, यहां से राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। अमेठी उनकी परंपरागत सीट थी। इस सीट पर राहुल को बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के सामने हार का सामना करना पड़ा था, जबकि केरल के वायनाड से उन्हें जीत हासिल हुई। लेकिन 2019 के मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल के लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले को राहुल ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी है। वहां जो फैसला आएगा उसके बाद राहुल गांधी का जो आगे का भविष्य है वो तय हो पाएगा, खासतौर पर राजनीति के लिहाज से। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस भाषण पर आपकी क्या राय है? प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कहा कि मेरा भाई सामान पैक कर बैठा हुआ था और आपके सांसद का जो भविष्य है उसका फैसला जो है अब कोर्ट के हाथों में है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या राजनीतिक तौर पर इस भाषण का राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी को किसी किस्म का कोई फायदा हो सकता है? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।